देवर की आशिकी में पति को मारा, खुद ही थाने में दर्ज कराया गुमशुदगी का मुकदमा। देवर से प्यार करके बनी अपराधी, इश्क मुकम्मल करने के लिए किया पति को ही खत्म। ये इश्क का चक्कर कभी भी किसी से भी कुछ भी करा सकता है। इस बात की तस्दीक रामपुर से आया हुआ ये मामला कर रहा है, जहां एक महिला को अपने देवर से इश्क हो गया और उसने इस इश्क को मुकम्मल करने के लिए अपने पति का ही काम तमाम कर दिया। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, एक पत्नी अपने पति की कातिल बन गई। बताया जा रहा है कि पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां रहने वाले राजीव सैनी की कुछ समय पहले ही सीमा नाम की महिला से शादी हुई। शादी के बाद सीमा का प्रेम प्रसंग पड़ोस में रहने वाले देवर से शुरू हो गया। इसी इश्क को पाने के लिए उसने अपने पति की हत्या करा दी। बताया जा रहा है कि राजीव सैनी बिजली घर में सरकारी नौकरी करता था। बीते 28 फरवरी को उसकी पत्नी ने थाने में अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और उसे बरामद करने के लिए पुलिस से गुहार तक लगा डाली। लेकिन पुलिस को महिला की कार्यशैली पर कुछ शक हुआ, इसीलिए उन्होंने सीमा को हिरासत में लिया और जब उनसे कड़ाई से पूछताछ की तो खुद ही सीमा ने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया। सीमा ने पुलिस को बताया कि वो अपने पड़ोस में रहने वाले देवर राहुल से प्यार करने लगी थी और सिर्फ उसके साथ अपनी जिंदगी बढ़ाने के लिए इन दोनों ने मिलकर राजीव की हत्या करने का प्लान बना डाला। राजीव की हत्या कराने के लिए इन लोगों ने थाना शहजाद नगर के अहमदाबाद में रहने वाले एक आरोपी को पूरे 1,60,000 की सुपारी भी दी थी। इस सीमा नाम की महिला है, उसने 28 तारीख को थाने पर आकर गुमशुदगी दर्ज कराई थी कि उसका पति राजीव, जो बिजली घर में नौकरी करता है, वो गायब है। संदेह होने पर और इस तरह के कुछ इनपुट मिलने पर मुखबिर से उससे जब पूछताछ की गई तो पूरी बात का उसने अनावरण किया। उसने बताया कि उसका पति जो बिजली घर में नौकरी करता था, उसके साथ मारपीट करता था और दारू धक्कड़ पीता था, जुआ खेलता था, और उसका महिला का सीमा का राहुल नाम के उसके देवर से प्रेम हो गया था। तो इन दोनों ने, राहुल ने और सीमा ने, योजना बनाई कि इसे रास्ते से हटा दिया जाए, उससे एक तो इन दोनों का विवाह हो जाएगा, साथ साथ रहना रहेंगे और उसकी नौकरी, जो बिजली वाली नौकरी थी, वो सीमा को मिल जाएगी। तो इन दोनों ने 1,60,000 रुपये में 3 लड़कों को तय किया, जो शहजाद नगर थाना क्षेत्र में अहमदाबाद गांव पड़ता, वहां के रहने वाले हैं, उनका पूर्वी क्रिमिनल हिस्ट्री है। उनसे 1,60,000 में तय किया और उन लोगों ने, तीनों ने मिलकर इसे मार दिया और वहीं जंगल में फेंक दिया। ये राहुल उसे बैठा कर ले गया था राजीव को यहाँ से, और इन तीनों जो बदमाश हैं, हत्यारे, उन्हें हैंड ओवर करके आया था। डेड बॉडी इनकी निशादेह बरामद कर ली गई है, आगे विधिक कार्रवाई जारी। पुलिस का कहना है कि सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और जिस स्कूटी का इस्तेमाल करके राजीव की हत्या की गई और उसके शव को फेंका गया, उसे भी बरामद कर लिया गया है। साथ ही साथ पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर डेड बॉडी को भी बरामद कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। रामपुर से न्यूज टाइम नेशन के लिए खुर्शीद खान राजू के साथ शाहबाज खान की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।